राहुल गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ था गुजरात में सूरत के अंदर बेदारी जगह जो है कनाडा के अंदर, वहीं वो मोदी मोदी को लेकर जो है दर्ज किया, उसी मुकदमे में राहुल गांधी जी की समाप्त हुई है। एक षड्यंत्र के था स्टे करवाया, दर्ज किया उसने स्टे करवाया, अभी सुनने में नहीं चाहता तो। उसके बाद में जब पूरा षड्यंत्र हो गया, पार्लियामेंट को बोलने नहीं दिया गया, कहा गया भाई आप उसको एडजोन कर दो, उसको पर बोलने देंगे, कुछ जवाब देना चाहते थे मना कर दिया, और फिर मुकदमा वापस शुरू करवाया गया। अब देखिएगा मुकदमा वापस शुरू करवाया गया, हाईकोर्ट ने रिक्वेस्ट किया तो एक मैंने फैसला कि मैक्सिमम सजा दी, मैक्सिमम सजा कभी होती नहीं ऐसे केस में, और उनको दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही उनको ऑप्शन दिखा दिया, तो कर्नाटक की जनता ने बाकी जवाब दी उनको, इसका जवाब भी दिया है। जिस प्रकार से बाहर जो यात्रा थी, मुद्दे महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अमीर गरीब के बीच खाई नहीं बननी चाहिए और क्या अच्छी बातें कही, तो तमाम जो खड़गे साहब के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तमाम लोगों ने साथ दिया, पूरी टीम आज जो भी हमारे शिकार भैया थे, जिनके शिव कुमार थे, लोग तो वो थे, बाकी सोनिया गांधी जी तो चली गए भाई वहां पर, प्रियंका जी गए, नीतीश नेता गए वहां पर, तो वहां की जनता समझ गई कि वास्तव में जो जिस प्रकार से ये सरकारें गिरा रहे हैं, कर्नाटक के पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो दाल नहीं गली, उन्होंने राजस्थान में भी कोई कमी नहीं रखी, इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, सब कुछ किया जो और जगह किया, और यहां उनको हमें कामयाब होने नहीं दिया। अब ये जो परिणाम आए कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकारें गिरी है, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, फिर राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी हुई सरकारों को आप इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके खरीद फरोश करके फिर आप सरकार बदलते हो, फिर लोकतंत्र का रहेगा? आज लोकतंत्र के लिए आम आदमी का मान सम्मान है, वोट मांगने हमें जाना पड़ता है, कर्म हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है।